हेलो, देखिए आज हम आप लोग को सिखाएंगे कि कैसे एमएस पेंट में फाइल को सेव किया जाता है। ठीक है, एमएस पेंट पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और इसमें किसी भी फाइल को अगर सेव करना हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कि मेरे पास पहले से ये डेटा बना हुआ है। ठीक है, अब इस फाइल को जो बन चुका है इस फाइल को हमें सेव करना है। हमने तो यहाँ पर ड्राॅइंग कर लिया, अब इस ड्राॅइंग को सेव करना है अपने फोल्डर में, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे जाना है फाइल वाले ऑप्शन पे, इसको हम लोग फाइल मेनू बोलते हैं। ठीक है, इस फाइल वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो ऑप्शन खुल गया है, आपको जाना है सिंपल सेव पे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि कहाँ पर सेव करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं सेव, ये यहाँ पे आ गया फोल्डर कि आपको इस फाइल को सेव कहाँ करना है। हम पहले से इसको सेव कर दिए थे लेकिन सेवेज किए तो पूछा कि कहाँ पे सेव करना है। तो हम यहाँ पे अपने जहाँ पे फोल्डर आपका रखा हुआ है उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे, उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे और वहाँ पे इसको जिस नाम से सेव करना है उस नाम को यहाँ पर आप फाइल नेम दे दीजिए और यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो इमेज है, जो पिक्चर है, जो आपने ड्राॅइंग किया है या आपने जो कुछ भी बनाया है उस चीज़ को किस चीज़ में सेव करना चाहते हैं आप। ठीक है, आप यहाँ पे PNG में सेव कर सकते हैं, GIF में सेव कर सकते हैं, JPG में सेव कर सकते हैं, 24-bit बिट मैप में भी सेव कर सकते हैं। जिस फॉर्मेट में सेव करना है उस फॉर्मेट में आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। हम इसे JPG में सेव करते हैं और सेव पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा पेपर सेव हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो फाइल कोई भी फाइल हो हम उसको कहाँ पे जाके सेव करते हैं, फाइल में सेव में सेव करते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट की इसका होता है Ctrl+S। ठीक है, Ctrl और S बटन प्रेस करेंगे तो ये भी सेव हो जाएगा और F12 करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे कैंसिल, तो आप इसके ज़रिए पेंट के फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि कैसे फाइल को सेव किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।